मोहम्मदपुर फिटी गांव है थाना वर्धा का, यहाँ पर ये अकमल है और इसके द्वारा आज ये सूचना दी गई थी, मुझे भी सूचना दी गई थी कि जो नैयर है वो शहजमा और नैयर जो जेल में है उसके लड़कों ने और दो आदमियों ने यहाँ पर इसके यहाँ आए हुए एक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग करके उसका मर्डर कर दिया। उस पर यहाँ पर फोर्स आया है, फॉरेंसिक टीम अभी बुलाई गई है, एसओजी टीम भी आ गई, सर्विलांस टीम भी आ गई, सभी पक्षों पर ध्यान देके किया जा रहा है। इसके द्वारा तीन लोगों को उसमें नामजद किया गया है, एक नैयर का लड़का है और दो अन्य लोग हैं, एक सराय मीकर है और एक अन्य। ये बंटी सिंह के बारे में ये नहीं बता पा रहे थे कि कौन है, लेकिन बंटी सिंह का पता चला है कि किराकत थाने का जौनपुर का रहने वाला है और इनके यहाँ आज सुबह आया था, जैसा इनके यहाँ बताया गया है। जो गोली वोली चलने की जो कंडीशन है वो सब चीज़ों की अभी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी, कुछ उसके अंदर जैसा बताया जा रहा उस ढंग की चीज़ें यहाँ पर नहीं मिली हैं। कुछ गोली अंदर से चलनी मौके पे पाई जा रही, जैसे नेकेट आई समझेगा, बाकी फॉरेंसिक टीम देखेगी, और कुछ बाहर से चलने की है। जो यहाँ पर लोग थे उन्हें पूछताछ के लिए लिया गया है और FIR लिखी जा रही है, और जो भी चीज़ सामने आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अकमल की सुरक्षा के लिए हमने यहाँ पर निर्देशित किया है कि इन्हें तात्कालिक रूप से सुरक्षा दी जाए और बाकी पुलिस लाइन से फिर एक गना में अपने स्तर से जब तक जरूरत होगी मैं दूंगा। सर, इसमें क्या चुनावी रंजिश की लेकर देखिए, इनका नैयर का और इनका बहुत समय से चल रहा है, और बीच में चुनाव वाले दिन भी एक फायरिंग का मुकदमा लिखाया गया था, बाद में जब वो जेल चला गया तो फिर इसके बाद 307 का मुकदमा, तो इनका विवाद काफ़ी समय से चल रहा है इस गाँव में। तो नैयर भी कोई साफ सुथरा आदमी नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति का है और मेरे द्वारा ही उसे जेल भेजा गया, उस पर गैंगस्टर लगाया गया है और उसकी प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई भी की जा रही है। तो सभी जितने भी पहलू हैं उस पर जांच की जा रही है और बहुत जल्दी इसमें जो कुछ भी पक्ष होगा वो सामने आएगा।